नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल कौन शिक्षा पर। और आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक के विषय में उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में जिसको हटाने के लिए बहुत जोर से डिमांड चल रही है। और कुछ समय पहले ये डिमांड यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर ट्रेंडिंग में था। तो बात हम कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक धारा आती है आर्टिकल 30-38। क्या है धारा, कैसे धारा ये हुई और किस तरीके से इस धारा में क्या है, सारी बातें जानेंगे। यदि आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और Facebook पे देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए। चलिए वीडियो, नमस्कार। बात वही 1947 की है जब देश आज़ाद हो चुका था और संविधान बन चुका था, संविधान को लगाने की तैयारी चल रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वे संविधान में अपने जो नियम कानून बनाए गए थे उन नियम कानून को लेकर चल रहे थे। उसी समय एक आर्टिकल के बारे में विवाद शुरू हुआ था, आर्टिकल था 13-13A। ये दो आर्टिकल थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इनको भी संविधान में शामिल कर लिया जाए। अब इस आर्टिकल में क्या है ये पूरा वीडियो देखेंगे आप तब उसमें समझ पाएंगे कि ये आर्टिकल क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो जब उन्होंने ये आर्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबमिट करना चाहा तो इसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल जो है 13-13A ये अल्पसंख्यकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, परंतु अन्य सभी जितने वर्ग के लोग हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी कास्ट के वर्ग हो उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा, इसलिए इस संविधान इस आर्टिकल को संविधान में लाना उचित नहीं होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बात नहीं मानते हैं। लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे कहते हैं कि यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं कांग्रेस से और अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस जीत के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जीत के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके सामने झुकना पड़ता है। तभी क्या होता है, भारत का दुर्भाग्य हो जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत हो जाती है। फिर ये धारा, अब इस धारा में था क्या, कैसे इस्टेब्लिश हुई, इस धारा को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 30A है क्या। आर्टिकल 30A जो है वो संविधान में धार्मिक या जो धार्मिक लोग थे या ईसाई लोग थे या अल्पसंख्यक थे उनको कई अधिकार देता था। यह आर्टिकल इन अल्पसंख्यकों को देश के हर राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं खोलने का अधिकार देता था। वो अपने मन मुताबिक जहाँ चाहते वहाँ पर अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते थे। तो ये आर्टिकल में निहित था। ये इस आर्टिकल में देश में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अल्पसंख्यक अधिकार देता था। यानी ये जो आर्टिकल था ये आर्टिकल मुस्लिमों के लिए कहीं पर भी शैक्षणिक संस्था या ईसाइयों के लिए कहीं पर भी शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता था और उसको संचालित करने का अधिकार देता था। अब इस आर्टिकल में और क्या बातें थी, यह आर्टिकल नंबर एक, यह आर्टिकल अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने या संचालित करने का अधिकार देता था। सेकेंड पॉइंट क्या था, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं प्रसारित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भी संपत्ति को के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई भी कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करे कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। यानी उसमें ये था कि अगर कोई अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल रहा है तो उस संस्थान में उस राज्य में चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो तो वह गवर्नमेंट उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी अल्पसंख्यकों के काम में। तीसरा पॉइंट क्या था, राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा
शासित किसी भी शैक्षणिक संस्था को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगी और आर्टिकल 30 में केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही यह निहित होगा, अन्य किसी भी जाति व धर्म के लोगों के लिए यह नियम प्रतिपादित नहीं किया गया था। यानी यही एक पॉइंट था जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल नाखुश थे। वो चाहते थे कि यह कानून सभी जाति के सभी राज्य में सबके लिए एक तरीके से लागू हो, लेकिन पंडित जी अपने स्वार्थ के कारण, अपने वोट बैंक के कारण इस नियम कानून को केवल उन्हीं लोगों पर लागू करना चाहते थे। और क्या था आर्टिकल 13 अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार भी देता था कि वो अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे वो उर्दू पढ़ाते हों या पढ़ाएं, या ईसाई जो थे अपने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो क्या चीज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या था, देश में 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। पहला अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या है, सरकार से मान्यता प्राप्त होने के साथ साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले, जैसे इस समय मदरसे चल रहे हैं कि आपको सरकार द्वारा मान्यता भी मिलेगी और आपको सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दूसरा क्या था, ऐसे संस्थान जो केवल मान्यता की मांग करते हैं और आर्थिक सहायता की मांग नहीं करते, और कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो केवल मान्यता मांगते हैं गवर्नमेंट से और उनसे किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद नहीं रखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसा संस्थान जो ना तो राज्य से मान्यता प्राप्त करता हो और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त करता, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो ना तो किसी राज्य से मतलब का हो और ना ही किसी केंद्र से मतलब हो और ना ही किसी राज्य की सरकार से आर्थिक सहायता मांगता हो। तीसरा क्या था, अभी जो आर्टिकल 13 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 चल रहा था, 2007 में केस चल रहा था, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है और इन पर इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद में रखने की नहीं है। और कई और कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस बात में कोई सबूत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कानून के बाहर कोई और गैर कानूनी अधिकार दिया गया हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित सभी कानूनों को अल्पसंख्यकों को पालन करना पड़ेगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि आर्टिकल 13 ए कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था। ये जो लेख था ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो अल्पसंख्यकों को सारे अधिकार दिए जाएंगे उन अधिकारों में वही अधिकार नहीं होंगे कि और जितने अधिकार बनाए गए हैं उन अधिकारों को अल्पसंख्यक समुदाय मान्य ना करे, उन अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी नियम कानूनों को अल्पसंख्यकों को मानना होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आर्टिकल 13 और 13A इसके अंतर्गत केवल मुस्लिमों और ईसाइयों की को बढ़ाने के लिए ये सारे अधिकार दिए गए थे, अन्य सभी को ये अधिकार देना संभव इस समय नहीं समझा गया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आर्टिकल का विरोध किया था। तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि 13A और 13 ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में निहित नहीं है, अगर इसको निहित किया जाता है तो ये नियम कानून को पालन करेंगे ही, साथ में अन्य जितने नियम कानून हैं सारे नियम कानून को अल्पसंख्यकों को पालन करना होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।